असलम व्यूअर्स, आज मैं आपको एयरबैग के बारे में बताऊंगा, जो सेफ्टी सिस्टम होता है कार्स में। ये स्टेयरिंग के ऊपर SRS एयरबैग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस स्टेयरिंग के अंदर, इसके पीछे कवर के एयरबैग है। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। कुछ गाड़ियों में ये ड्राइविंग साइड पे सिर्फ होता है, कुछ गाड़ियों में पैसेंजर साइड पे भी होता है। इस गाड़ी में पैसेंजर साइड पे भी है, ये है सामने, और ड्राइविंग साइड पे भी है। कुछ कार्स में 4 होते हैं, कुछ कार्स में 8 होते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी गाड़ी है। ये डार्ट से मूव है, इसमें 2 हैं। और ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी सिस्टम होता है। ये अगर आपका गाड़ी के एक्सीडेंट होता है, तेज़ चलाते हुए गाड़ी आपके हिट कर जाए किसी चीज़ को, तो ये डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट पहननी ना होए तो ये आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी चलते चलते हिट करे और ये खुल जाए और आप अपनी सीट से आगे जाके स्टेयरिंग पे जाके लगें, तो ये आपको ज़्यादा नुकसान ही पहुंचा सकता है। या पैसेंजर साइड पे, अगर पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और पैसेंजर एक्सीडेंट हो जाए एकदम से, और पैसेंजर जाके एकदम से आगे डैशबोर्ड वाले एरिया पे अगर हिट करता है इस एरिया में, तो पैसेंजर को भी नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है काफ़ी बुरी तरह। क्योंकि जो एयरबैग होता है, इसकी डिप्लॉय स्पीड जो होती है वो 150 किलोमीटर फी घंटा से 350 किलोमीटर फी घंटा होती है। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि ये आपके मुंह की हड्डी कहीं या नाक की हड्डी तोड़ सकता है। तो हमेशा आप सीट बेल्ट पहने और कभी भी इसके कवर के ऊपर कोई चीज़ ना लगाएं। यहाँ पे किसी किस्म का मोबाइल फ़ोन कवर या यहाँ पे कोई चीज़ ऊपर ना रखें, इसके ऊपर कोई मैट ना रखें, कोई मोबाइल फ़ोन ना रखें, क्योंकि जब एयरबैग खुलेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और वो लॉन्च हो जाएगा, गोली की तरह आएगा वो बेसिकली आपकी तरफ। तो बी सेफ और हमेशा गाड़ी आराम से चलाएं।